साहब, आपकी जो प्रत्याशी है आज बीजेपी में शामिल हो गई, एक बड़ा झटका मानते हैं इसको कि कोई और वजह इसकी नहीं है? अब वजह तो मैं नहीं बता सकता, चूँकि समाजवादी पार्टी से जुड़ी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से जलालाबाद प्रथम से जिला पंचायत के सदस्य पद पर जीती थी चुनाव, और समाजवादी पार्टी ने उनको जिला पंचायत सदस्य के लिए समर्थन दिया था। उसके बाद जो भी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते थे जिला पंचायत सदस्य के, और चूंकि जिला पंचायत सदस्यों में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना जाता है, तो उसमें से जो सही हम लोगों ने समझा, पार्टी के लोगों ने, सभी लोगों ने मिल बैठकर सर्वसम्मति से उनका नाम, वीनू सिंह जी का नाम तय किया, और क्षेत्र में पता लगा कि अच्छा माहौल है और छवि ठीक है। लेकिन ये नहीं पता किसी के दिल में क्या बात है। हम लोगों ने तो पूरी मेहनत ईमानदारी से उनको समर्थन हाईकमान से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके वहाँ से निर्देश प्राप्त किया, स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उनको प्रत्याशी बनाया, नामांकन कराया। लेकिन अब उसके बाद पहले दिन से ही ये महसूस होने लगा कि सत्ता के दबाव में किसी भी तरह से हमारे प्रत्याशी को होपलेस किया जा सकता है और उसको कैप्चर किया जा सकता है। हम पहले दिन से ही नामांकन वाले दिन से ही मुझे आभास हो रहा था कि दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए नामांकन भी थोड़ा लेट हुआ था। और मैंने बोला भी था उस दिन कि ये कुछ भी हो सकता है, सत्ता पक्ष के दबाव में जब आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सरकारें बनी प्रदेशों में वहाँ के विधायकों को धन बल के जरिए, पैसे के जरिए, और वहाँ पर सरकार नहीं बनने देगी, भाजपा की सरकारें पैसे के दम पर बना दी गई जबकि भाजपा के खिलाफ सरकारें बनी, तो आज ये भी हमें पता लगा है अगर धन बल के माध्यम से यहाँ भी हमारे प्रत्याशी को सत्ता के दुरुपयोग करने के बाद हमारे प्रत्याशी को यहाँ से अगर उन्होंने कैप्चर कर लिया, हम लोगों को टच में नहीं आने दिया, हम लोग उनके घर पर भी गए, जहाँ जहाँ पता लगा वहाँ हमारे पार्टी के तमाम लोग जाते रहे, संपर्क भी नहीं करने दिया, मोबाइल स्विच ऑफ करा दिए गए। तो सत्ता पक्ष के जो बड़े लीडर हैं, यहाँ मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं और भी तमाम लीडर जो हैं अभी हाल ही में शामिल जो हुए हैं, आप इन सब ने मिलकर एकजुट होकर पूरी तरह से दबाव बना दिया। इसी वजह से ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हुआ है खेल। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्स के चले जाने से समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहाँपुर में कहीं पर से कमज़ोर नहीं है। हमारे पार्टी के सारे लोग, आवाम और सारे लोग, हर धर्म हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी पर आस्था जताए हैं, उनको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी जनपद शाहजहाँपुर में सभी सीटों पर जीतेगी, माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालेगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के जो क्रिया जो कार्यशैली है उससे प्रभावित होकर श्री अभिषेक सिंह जी ने, श्री नीतीश कुमार जी ने और श्रीमती वीनू सिंह जी ने जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है, हम उनका स्वागत करते हैं और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये लोग, इनके मान सम्मान का भी ध्यान रखा जाएगा और हर प्रकार से हमारी ये कोशिश होगी कि ये उन्नति करें। और मैं इनके प्रति बधाई भी देता हूँ कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया इससे शाहजहाँपुर की ही राजनीति नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति प्रभावित होगी, इसलिए मैं इनका पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूँ और हर तरह से मेरी ये कोशिश होगी, मेरा सक्रिय सहयोग इनकी उन्नति में, खासतौर से इनके मान सम्मान को बढ़ाने का रहेगा।